हेलो नमस्ते। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया था कि अगर हम उस्मानाबाद स्टेशन पे हैं तो उस्मानाबाद स्टेशन से तुलजापुर अगर हमें देवी के दर्शन करने हैं, तुलजा भवानी के दर्शन करने हैं तो कैसे पहुँचे। तो ये देखिए, मैं पुणे से निकल पड़ी हूँ तो मैं उस्मानाबाद स्टेशन पहुँचूँगी और वहाँ से मैं आपको गाइड करूँगी। तो ये है उस्मानाबाद का धाराशिव का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे लगभग अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन बहुत बढ़ गई है तो आप पुणे मुंबई से आराम से कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लगभग पहुँचे हैं 8 बजे के आसपास और यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर बहुत सारी बसेस और बहुत सारे रिक्शाज आपको मिलेंगे। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बसेस मुझे नहीं दिखी है, बट बहुत सारे 6 सीटर्स 4 सीटर्स आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगे। फिर वो आपको छोड़ेंगे उस्मानाबाद के बस स्टैंड के, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है धाराशिव उस्मानाबाद का बस स्टैंड। और यहाँ पे भी रिनोवेशन चल रहा है, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पूरा बस स्टैंड जो था वो टूट चुका है, नए से यहाँ पे बस स्टैंड बनने वाला। ये देख सकते हो आप, सब कुछ ढेर हो चुका है पर यहाँ पे बसेस का आना जाना चालू है। सिर्फ जो एक मेन बिल्डिंग थी वो टूट चुकी है। तो धाराशिव के बस स्टैंड से उस्मानाबाद के बस स्टैंड के लिए आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी। लगभग हर 10-15 मिनट में एक बस तुलजापुर जाती है और टिकट है 40 रुपीज़। अगर आप एक लेडी हो, अगर आप एक बच्ची हो तो फिर आपको सिर्फ 20 रुपीज़ लगेंगे। तो आप अगर यहाँ पे अगर आपको बस नहीं लेना है तो अगर थोड़ा आगे जाओगे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है उसके पास बहुत सारे टेम्पोज लगे हुए रहते हैं जो आपको तुलजापुर लेके जाएंगे। तुलजापुर में 2 बस स्टैंड है तो आपको जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे उतरना है क्योंकि वो नज़दीकी बस स्टैंड है जहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर पहुँच सकते हो। एक हफ्ता मज़े कर लिए, अभी चलना पड़ेगा ससुराल। तो सुबह की जो 5:10 पे जो ट्रेन है, कौन सी है, पहले वो हैदराबाद हड़पसर थी, अभी वो काजीपेट हड़पसर हो चुकी है, तो उस ट्रेन का वेट किया जा रहा है। बाय बाय, टेक केयर।